हेलो दोस्तों, मैं GS टेलीकॉम से प्रशांत बोल रहा हूँ। तो आप लोग को मैं एक फ़ोन दिखाना चाहता हूँ जो कस्टमर से हम लोगों ने रिसीव किया। रियलमी 6 का फ़ोन था, कस्टमर ने लाया था मेरे पास इस कंडीशन में। तो अभी हम लोग इसका ग्लास चेंज करेंगे, बहुत ही बुरी तरीके से टूटा हुआ है। जो भी कंडीशन है, कस्टमर ने हाथ से गिर के हुआ है। तो डिस्प्ले कॉस्टिंग में बहुत चार्जेस आता है, तो हम लोग इसको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आपका रेडी करके दे देंगे। आप देख सकते हैं कैसे हम लोग ग्लास चेंज करेंगे, फुल प्रोसेस आपको दिखाएंगे इसमें। पहले तो हम लोग फ़ोन को अच्छे से हीट कर लेंगे। हीट करने के बाद उसका बैक पैनल जो है हम लोग खोल लेंगे उसको अच्छे से। खोलने के लिए जो जो टूल्स चाहिए वो आपके सामने दिखा रहा है, सिंपल सा टूल्स है। तो इसको अच्छे से बारीकी से खोलना पड़ता है, नहीं तो बैक का कलर जो है ना उड़ जाता। हीट अच्छा होने से इजीली खुल जाता। खोलने के टाइम थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है कि फ्लेक्स वगैरह टूट ना जाए या आपका कलर उठ ना जाए बैक ग्लास का या बैक जो भी कैप। फ़ोन का मिडिल फ्रेम हम लोग खोलेंगे जब, उसको भी ठीक से देखना ज़रूरी है, क्योंकि मिडिल फ्रेम खोलने के टाइम क्या होता है, कभी कभी फिंगरप्रिंट का जो पत्ता होता है वो कट जाता है। तो उसको सही तरीके से खोलना ज़रूरी है। अगर आप सही तरीके से नहीं खोलोगे तो फिंगरप्रिंट का पत्ता कट जाएगा और आपको प्रॉब्लम भी होगा, फिर नया लगाना पड़ेगा, कस्टमर से भी टाइम लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेलो टेप से अच्छे से उसको चिपका रहे कि जितना भी ग्लास का टूटा हुआ टुकड़ा है वो बाहर ना निकल जाए और डिस्प्ले को भी नुकसान ना आए, जो टेक्नीशियन काम है उनका हाथ में भी। अच्छे से फिनिशिंग करके काटना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो ग्लू होता है उसको छुड़ाने के लिए हम लोग जो लिक्विड यूज़ करते हैं, अगर उसमें स्पेस नहीं रहेगा तो काम सही से नहीं होगा। तो खोलने से पहले हम लोग फ़ोन को थोड़ा अच्छे से हीट कर लेते हैं, क्योंकि बैटरी रिमूव करना ज़रूरी होता है। बैटरी को हम लोग रिमूव कर लिया, इसके बाद हम लोग डिस्प्ले के ऊपर हाथ लगाएंगे। देख सकते हैं डिस्प्ले को हीट करके थोड़ा साइड से खोलना, हल्के से खुल जाता। अभी इसको खोलने के बाद फिर से एक बार चेक करना ज़रूरत है कि डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, लाइन ना आ जाए, टच सही से काम करे कि नहीं कर रहा, थोड़ा चेक करना ज़रूरी होता है। तो चालू करने के लिए ट्वीज़र की मदद से हम लोग पावर बटन का जो है शॉर्ट करना ज़रूरी है, तो इससे फ़ोन चालू हो जाता है। बस चालू हो गया तो हम लोग चेक कर लेते हैं, आपको दिखाने की कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी खुलने के टाइम डिस्प्ले को काटने से पहले हम लोग ट्वीज़र से अच्छा उसका साइड वाला जो ग्लू होता है उसको हटा लेंगे, नहीं तो क्या होता है इसका पुलवाइज़र कट जाता। तो एक बात बताना चाहिए, इस वीडियो में पुलवाइज़र कट गया था, अच्छे से साफ होने के बाद भी कट गया था। अभी पुलवाइज़र भी हम लोग चेंज करेंगे, कैसे चेंज किया जाए तो दिखाएंगे, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है वो पंच होल कैमरा है, मतलब आपका डिस्प्ले के अंदर ही से कैमरे का जो लेंस है वो बाहर निकलता है। पहले तो इसका ग्लू चिपकाएंगे। एक्चुअल में क्या था, ग्लू हटाने के टाइम ही इसका पुलवाइज़र कट गया था, क्योंकि ये बहुत बारीकी से काम होता है। थोड़ा भी इधर उधर होने से या तो डिस्प्ले ख़राब हो जाता है या आपका पुलवाइज़र कट जाता है, डिस्प्ले में लाइनिंग आ जाता है, टच सही से काम नहीं करता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। एक्सपीरियंस हाथ का ज़रूरी होता है सही से काम करने के लिए। तो यही पर ही कुछ प्रॉब्लम हो गया था जब रिमूव कर रहा था ग्लू, तभी टाइम पुलवाइज़र का पता कट गया था। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पुलवाइज़र का, देखिए इसलिए वाइट दिखाई दे रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पुलवाइज़र को उखाड़ेंगे अच्छे से। उखाड़ने के बाद उसके बाद जो कैमरे का जगह जो पंच होल होता है उस पंच होल में हम लोग पंच करेंगे, कि कैमरे का जो फोकस जो लेंस जहाँ से कैमरे का जो फोकस लेता है लेंस है, क्योंकि वो डिस्प्ले के पंच होल में ही रहता है। तो अभी देख सकते हैं कैसे मैं कर रहा हूँ, इसको होल कर लेंगे कटर से। होल करने के बाद इसको
हम लोग बारीकी से साफ कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारा ग्लू लगा रहता है, उसको सही से साफ करना ज़रूरी होता है। अच्छे से साफ होने से पेस्टिंग भी अच्छा होता है, कलर भी सही से बैठता है, नहीं तो मैला दिखाई देता है, डिस्प्ले का जो क्वालिटी वो गिर जाता है, इसलिए अच्छा साफ करना ज़रूरी होता है। अभी तो साफ आपका हो गया है, साफ करने के बाद अभी हम जो पोलाइजर है वो डिस्प्ले को बैठाएंगे, आप देख सकते हैं। वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया इसलिए क्योंकि माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है देखने में, आपको जल्दी से दिख जाए इसीलिए। अभी तो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, प्रॉब्लम का जो भी है डिस्प्ले का हो, इशू बहुत सारे इशू का हम लोग वीडियो बना रहे हैं, स्टार्टिंग में है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो भी सकता है बनाने के टाइम, अगर कोई गड़बड़ हो जाता है तो माफ़ी चाहते हैं, कोशिश करेंगे आगे अच्छा करने के लिए। अभी जो पोलाइजर का होल है वो सही से चेक करने के बाद बैठना ज़रूरी है। अच्छा, जब ये मैंने उसे ग्लास लगा दिया, अभी पंच मशीन में पंच भी कर दिया, पंच करने के बाद इसका जो है पेस्टिंग हो गया, अब इसमें थोड़ा बहुत ग्लू आएगा, सॉरी माफ़ी चाहता है ग्लू नहीं, इसके थोड़ा बहुत बबल्स आएगा, जो बबल्स आएगा वो बबल्स रिमूव करने के लिए बबल रिमूवर में घुसाना ज़रूरी है। बबल रिमूवर में घुसाने के बाद हम लोग बबल रिमूव हो जाएगा, फिर आपको दिखा सकते हैं कैसा आता है। फिर से बोलना चाहता है कि अगर आपके पास कोई फ़ोन ऐसा कंडीशन में है, आपको डिस्प्ले कॉस्ट ज़्यादा लग रहा था, आप हम लोग के पास सेंड कर सकते हैं, बाई कुरियर हो डायरेक्ट भी दे सकते हैं, हम लोग कुरियर सर्विस करके देते हैं आपको, एक दिन में आपको मिल जाएगा, डे टू डे काम हो जाता है हम लोग के पास। और बहुत सारा दुकानदार है जो हमसे काम कराता है, हम लोग डे टू डे में काम करते हैं, तो आपको कोई अगर रिक्वायरमेंट होता है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, डिस्प्ले हो, ग्लास चेंज हो, मोबाइल का और भी कोई इशू हो, आप लोग दे सकते हैं, हम लोग ऑनलाइन कुरियर सर्विस करते हैं, या आप डायरेक्ट शॉप में भी आके करा सकते हैं। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।